नमस्कार, रियल कट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। खबर ऐसा है, आज एक आदमी का, आज का जो ये रात है ना, ये भयानक रात होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल भयानक रात होने वाला है। वो कौन है? वो है हमारा करप्शन मास्टर घुंगरू सेठ नटवर लाल, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको मालूम होगा कल 16 मार्च है, उसको राउस एवेन्यू कोर्ट पेश होना है। ईडी का दो कंप्लेन का अनुसार उनको पहले डेट दिया था, वो नहीं गया था बजट सेशन कॉन्फिडेंस मोशन का नाम पर, तो कल का दिन में उसको जाना है। आज का सबसे बड़ा खबर आया है तेलंगाना से, दिल्ली लिकर स्कैम का ये जो कनेक्शन है, जो साउथ का जो एक लॉबी है उसका साथ है। वहां का तेलंगाना का जो BRS, आपको मालूम होगा जो लास्ट इलेक्शन के पहले तेलंगाना में जिसका सरकार था और जो चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर कौन था? KCR, के चंद्रशेखर राव, उनका बेटी के कविता को आज ईडी और इनकम टैक्स 5 आवर्स का रेड करने के बाद शाम को उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दैट मीन्स अरविंद केजरीवाल का जो नंबर है बहुत जल्दी आने वाला है। अगर नहीं भी आएगा, ये सोचते सोचते उसका गेम बच जाएगा। देखो, अब ऐसा हो गया स्थिति कि मानो दो राजा लड़ाई कर रहा है, दोनों राजा का जो सेना है वो लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई कौन संभालते हैं? जो जनरल वो संभालते हैं। अब अरविंद केजरीवाल का लड़ाई करने के लिए जितना भी था, इनका जो करप्शन वाला जो गैंग था, एक एक करके ईडी पकड़ रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो नायर, फलाना धमकाना, हर किसी को पकड़ रहा है, तो बचा केजरीवाल। केजरीवाल का आज ये स्थिति है, उसको लग रहा है कि मैं सुबह राउस एवेन्यू कोर्ट जाऊं या अभी मैं ईडी को जाके अटेंड करूं। इसका मन में सवाल ही सवाल है कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा जितना नज़दीक मैं देख पा रहा हूं, मुझे तो, क्योंकि उनको मालूम है वो करप्शन करके बैठा है, भली भांति मालूम है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ऐसा कर दिया कि वो उधर भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, ना वो घर का ना वो घाट का, ये स्थिति हो गया उसका। कल कोर्ट क्या बोलेगा? हो सकता है कोर्ट मुझे बोल दे कि तुम अभी का अभी ईडी ऑफिस चला जाओ, हो सकता है परसों मेरा पास ईडी का सामान आ जाए, क्योंकि केजरीवाल वही आदमी है जिन्होंने कल वो दिल्ली सेशन कोर्ट गया था। इसीलिए गया था कि वहां पर जाके वो बता रहा था कि जज साहब, मेरा एक PIL है, मेरा गुहार ये है कि वो ईडी जो है, ये जो सामान मुझे भेज रहा है, ये सही ढंग से मेरे को नहीं भेज रहा है। मैं उसको जब भी रिप्लाई कर रहा हूँ कि कौन सा केस का सा क्या सवाल तुम करने वाले हो, तुम्हें कितना अमाउंट का जानकारी चाहिए, फलाना क्या है, ओलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, ईडी मुझे नहीं बोल रहा है, चीफ सामान पर सामान भेजा जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने उसको कहा, भाई ये सब बंद करो, तुम्हारा ये कुछ काम आने वाला है नहीं, तुम उसका सामान में अटेंड करो। देखो, ये के कविता जो है, इससे पहले ईडी पूछताछ के लिए उनको बुलाया, वो गया, उसके बाद ईडी ने 2-3 बार फिर बुलाया था, ये नहीं गया। और खबर ये भी है, आज जो 8:45 का जो फ्लाइट है तेलंगाना टू दिल्ली, उनको लेके आ रहा, उसके बाद ईडी को कोर्ट में पेश करेगा, उसके बाद कस्टडी के लिए मांगेगा। अभी तक दिल्ली लिकर स्कैम में जो अरेस्ट हुआ है, उसमें से अगर 3 बड़ा फेस है, इसमें से एक ये भी है, पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, अब के कविता। देखो, ये लिकर स्कैम में, दिल्ली लिकर स्कैम जो है ना, जिसमें साउथ का ये जो लॉबी है, इसमें के कविता एक बहुत बड़ा फेस है। के कविता, उनका साथ ये सारा का जुड़ा हुआ है, जिसमें से हैदराबाद का बिजनेसमैन शरद रेड्डी, YSR कांग्रेस MP भी है, साथ में उनका जो YSR का कांग्रेस MP है उनका बेटा भी है। ये साउथ सेंट्रल जो ये लिकर स्कैम का जुड़ा हुआ है, और इन लोगों को ये जो पॉलिसी स्कैम वाला जो पॉलिसी है लिकर स्कैम, इसको किसका साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें से खास करके 3 नाम आता है, एक है अरुण पिल्लई, अभिषेक, और एक चार्टर्ड अकाउंट है बुच्ची बाबू। ये लोगों ने मिलके इनको ऑफर किया था, बाद में ये लोग इस केस में आगे तक चला गया, जिसका परिणाम इन लोगों ने घोटाला किया, जो आज ईडी ने उसको अरेस्ट किया। क्योंकि इससे पहले हम विजय नायर को सुना था,
वो आम आदमी का जो लिंक था एक्यूज दिल्ली लिकर स्कैम में, उन्होंने तो सारा बताया था ना कहानी। क्योंकि इन्होंने जो कारनामा किया है ये तो हर किसी को मालूम है। देखो इसमें जो के कविता है ये भी जेल जाएगा, क्योंकि इनका जितना स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग किया गया है दिल्ली लिकर स्कैम में, ये सारा PMLA जो एक्ट है ना उसी का अंदर ही एजेंसी ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसी का अंदर, जिसका अंदर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो साउथ लॉबी है जिसका एक मेन फेस मैंने जो कहा के कविता, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और मनीष सिसोदिया, ये तीनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग है दिल्ली लिकर स्कैम को लेके। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहा था जो बुच्ची बाबू है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कि साउथ का लबी के कविता के साथ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये लोग एक बढ़िया संपर्क में रहते हुए ये सारा घोटाला किया। और आम आदमी पार्टी का जो डायरेक्ट लिंक था विजय नायर, उन्होंने के कविता को 19 और 20 मार्च 2021 में मुलाकात किया था। ये जो स्टेटमेंट है बुच्ची बाबू जो है ना उन्होंने दिया था। दैट मीन्स ये जो पूरा कहानी है दिल्ली लिकर स्कैम साउथ लॉबी जुड़ा हुआ है, जिसका परिणाम कल का दिन में आपको दिखाई देगा। अब तो कल का दिन सुबह ना आए तो केजरीवाल के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सेफ है। पता नहीं कल का दिन में उसका साथ क्या होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन रोने को तो बहुत कुछ होगा। सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनका जो तोता है अति सिंह मंडना ये सबसे पहले आएगा, आगे बीजेपी को ब्लेम करेगा। फिर ये कोर्ट का ऊपर ही इनडायरेक्टली सवाल उठाएगा कि मनीष सिसोदिया ने कभी गलती किया ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ है, पूरा आम आदमी पार्टी इसमें एक्यूज है। ये पूरा जो कनेक्शन है ना आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल का साथ क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो तब तक मेरा साथ जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं कल अरविंद केजरीवाल का साथ जो भी होता है उसका अपडेट लेके। तो आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।